अभी तो बात ऐसा है कि हम लोगों को यहाँ पे 2 महीना तो यहाँ पे रहना ही रहना है। अभी बात ऐसा है कि हॉस्पिटल जो है अंकुरा हॉस्पिटल नहीं, पहले मेरे को बोलने दो। अभी ये 2 महीना होटल में रहना इम्पॉसिबल बात है, सच है ना? आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे। तो इसलिए हम लोग सोच रहे थे गिर गया ठीक है, वो मेरा क्लिप गिर गया। तो हम लोग इसलिए सोच रहे थे कि यहाँ पे कोई अच्छा खासा जगह देख के, अच्छा खासा एक अगर एकोमोडेशन मिल जाए, मतलब फ्लैट या फिर घर कुछ भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग अभी चल पड़े हैं हमारी एक स्टूडियो अपार्टमेंट देखने के लिए जा रहे हैं, नए घर के खोज तलाश में। मैं कहना चाहता था कि अंकुरा हॉस्पिटल जो है वो नागराज रोड में है और वो हम जो होटल में ठहरे हैं आप ये बताओ क्या उनसे 1 घंटा लगता है हॉस्पिटल जाने में? इन लोगों को पहले दिन ही बताया, पागल है। और जहाँ हम जा रहे हैं वो है बेलमोंडो, वो है पीपड़ी चिचवाट कहते हैं, तो उस जगह से हॉस्पिटल नजदीक होगा। तो इसलिए नजदीक मतलब क्या? 30 मिनट्स वो 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लग रहा है और वहाँ से 30 अभी जहाँ जा रहे हैं वहाँ से 30 मिनट्स लगेगा। इसलिए पैसा भी बचाना है और कन्वीनियंट भी हो जर्नी, ऐसे ही कुछ दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे निकलते हुए। हम लोग मैं अकेली कर रही हूँ, बाकी सब कुछ देख रहा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग भी ट्राई करेंगे। वहाँ पेटुक तो आगे दिए दिए थे हमने। चम्मच में हाथ से खाने का मजा आ रहा है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। ठंडा लग गया थोड़ा बहुत। सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि आप लोगों से थोड़ा शेयर करूँ यहाँ का व्यू, बिकॉज ये जो नई फ्लैट है अभी तक अंदर हम लोगों ने आप लोगों से शेयर नहीं किया कि अंदर का एग्जैक्ट व्यू कैसा है। तो अभी बाहर का थोड़ा व्यू आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। पहाड़ तो जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ से पहाड़ दिखता है, यहाँ से भी पहाड़ दिखता है। नीचे गोल्फ कोर्स है, पूरा गोल्फ कोर्स है। वहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन है जो अभी तक मैं गई नहीं वहाँ पे, तो पता नहीं कि एग्जैक्टली सामने से कैसा है, बाद में कभी मैं शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड यहाँ पे है एक बास्केटबॉल एंड एक लॉन्ग टेनिस कोर्ट। एंड नीचे का रास्ता पूरा एक पैनोरामिक व्यू आपको मिलेगा। राइट साइड में हाईवे है, ऐसे अगर घूमोगे तो सबसे मेन चीज़ मैं बोलना भूल गई, यहाँ से ये जा रहा है पाउना रिवर। तो अभी चले चलते हैं, थोड़ा चाय बनाना है बिकॉज ये डो ना किडो एंड किडो के लिए लेके रखना है क्योंकि सेकेंड फ्लोर है, सो थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे ये बाप बेटे बैठ के नहीं, खड़े होके और बैठ के क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। मॉर्निंग मॉर्निंग
इतना अच्छा वेदर है और कितना अच्छा नजारा है, वही थोड़ा सा क्लोज करके भी दिखाया वो जो हिल्स वगैरह है, अच्छे से दिखाई दे रहा था। आप पूरा काला काला आ रहे हो ऐसे। काला काला का काला 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 आ रहे हो। मैं हाँ आप मैं और ये क्योंकि यहाँ पे सॉरी फॉर द मैस, यहाँ पे मैं सो के रखा है क्योंकि चार्जर वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे किकी सोई हुई है अपने बाप की, आई मीन उसकी पापा की टी शर्ट के ऊपर। उसको हमारे कपड़ों में सोना अच्छा लगता है, उसे पता नहीं कैसे क्या आराम मिलता है। सो यस, दिस इज़ द किचन। तो बाकी का घर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे बनानी है चाय। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मेज उख के रखा है, थोड़ा छोटा सा जगह है बट आई नो कि हम मैनेज कर लेंगे। और अच्छे से कल तो हम आए हैं, अच्छे से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सेट भी कर लेंगे। अभी चाय की प्रस्तुति चल रहा है और किलो जी वहाँ पर है, लेकिन रात्रि का सर्दी लगा हुआ है बहुत ही। कल सेटजिन खाने की बावजूद किडो माँ के काज करते जाओ, चले ऐसे कने देखो 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 देखो। अरे ओटा डस्टबिन रे गाधा। लेकिन ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। कल हम लोग सुबह यहाँ पे शिफ्ट किए एंड दोपहर को हम लोग उससे रोड गए थे फिर से शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कुछ ऐसे ड्रेसेस की जरूरत है क्योंकि मैं जीन्स पहन नहीं पाऊंगी आफ्टर ऑपरेशन, तो मैं गई थी थोड़ा बहुत कुछ खरीदने के लिए। उसको मैं ऐड करूंगी इसमें तो आप लोग देख सकते हो। सो एनीवेज वहां से लौटने के बाद कल पता चला कि हमें आज फिर से हॉस्पिटल जानी है क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरा यूएससी एंड पेल्विस टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है बिकॉज आई वॉज इन पीरियड। सो इसलिए आज फिर से जाना है, फिर से हमें यूएससी एंड पेल्विस टेस्ट करवानी है एंड देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। आई डोंट नो, उतना तो हमें पता चल ही गया था कि जैसे आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में पता चला कि एंडोमेट्रियोसिस है मुझे फाइब्रॉइड्स के साथ। तो आज पता नहीं फाइनली ये टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्टली क्या सुनने को और क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो अभी हम चाय पी के नाशा वासा करके ब्रेकफास्ट करके हम लोग रेडी वेडी होके ऑपरेशन नहीं यूएसएन पेल्विस टेस्ट के लिए निकलेंगे। चलो सीवियर पेन हो रहा है कि इंजेक्शन लगा रहा है। अभी हम जाएंगे 901 में वापस सिस्टर है। मीरा अभी पेल्विस टेस्ट का जा रहे हैं डॉक्टर के पास। For the last 45 minutes, I'm shivering. Is there any light thread? Just a little bit. It's a complicated surgery, but not too bad. You are in safe hands. Nothing will happen. She'll be fine. We'll come on. Hey guys! हम लोग वापस आ चुके हैं बारजो गया है फ्रेश होने के लिए एंड मैं फ्रेश होके यहाँ पे बैठ गई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। बिल्कुल स्टैंड वैंड लेके स्टैंड में कैमरे को फिक्स करके ताकि मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिसका डर था वही हुआ। मेरी सर्जरी जो होने वाली है वो ओपन होने वाली है। ओपन हो रही है इस
के लिए मैं टेंस नहीं हूँ, मैं टेंस्ड हूँ ये सोच के कि मतलब मेरी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला है 3 से मैक्सिमम 4 दिन मुझे हॉस्पिटल में रखा जाएगा, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। बट वो 3-4 दिन पार्थो यहाँ पे कैसे सब कुछ संभालेगा, मतलब यहाँ पे किडो एंड किकी को संभालना, फिर मेरे पास जाना। एनीवेज अभी कुछ किया तो नहीं जा सकता, बट वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। आ गया जनाब, जितना भी टेंशन हो, जितना भी टेंशन हो, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, पाया है तेरी बातों में प्यार ही प्यार बेशुमार। यही स्पिरिट हम ऑपरेशन के दिन तक और उसके बाद भी रखेंगे, ये वादा है मेरा, तो टेंशन मत लो। सो कुछ चीजें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि कोलकाता में इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, तो रात्रि और पार्थो पुणे क्यों गए एंड वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट करवाने का क्यों सोचा? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। मतलब फर्स्ट तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि 6 मंथ्स मेरा कोलकाता में जब मुझे मेरा फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ था तब तब 6 मंथ्स उसके बाद मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट चला एंड मेडिसिन भी मुझे लेनी पड़ी, बहुत सारी दवाई। तो बट उसमें उससे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। ऊपर से मैंने कहा था कि यूटेरस को निकल देंगे वो लोग, क्योंकि बिग साइज का था, तो ऐसा कुछ था। मैं हॉस्पिटल का या डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहती, बट फिर भी बताना जरूरी है। फेमस हॉस्पिटल ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर, वो हम कह सकते हैं। बट ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हमारी जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को भी पता चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है हम लोगों के साथ, और मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो। तो एनीवेज 6 मंथ्स मेरा मेडिसिन चला, जिससे मैं मोटी हो गई, जिससे मेरी बाल झड़ने लगे, तो ये सब कुछ हुआ, बट उससे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। फिर मैं सच कहूँ तो मैं होपलेस हो गई थी, कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे ही चलना है अभी, कि जैसे पेन वगैरह है वैसे ही पेन वेन लेके ही अभी चलना है। बट मेरी भैया और भाभी यहाँ पे रहते थे, तो अभी वो कोलकाता, हाँ वो कोलकाता बैक कर चुके हैं, बट वो 4 साल के लिए शायद ना थे यहाँ पे, हाँ। तो हाँ, उन लोगों का कुछ कॉम्प्लिकेशंस था, तो वो लोग सुप्रिया पुरानिक से मिले, डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक से, एंड उन्हीं से पूरा चेकअप उन्होंने करवाया एंड फाइनली उनकी एक बेटी है। तो अभी बात ऐसा है कि उन लोगों से पता चला यहाँ, मतलब सुप्रिया मैम के बारे में, एंड तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोगों को यहाँ पे आके दिखाना है, सुप्रिया मैम से बात करनी है कि एग्जैक्टली मेरा जो सिचुएशन है इससे कैसे बाहर निकले। फिर उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को हाँ, लोगों का यही सजेशन था कि तुम जाओ वहाँ पर, हाँ, और डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक जी से मीट करो और खुल के बताओ क्या प्रॉब्लम है। आई मीन अगर वो लोग नहीं होते तो शायद आई डोंट नो, मैं कोलकाता में ही शायद किसी मतलब ऐसे यहाँ पर तो नहीं आते, दैट्स फॉर श्योर, कहीं पे मैं चेकअप करवा रही होती और मैं मेडिसिन पे मेडिसिन लेती जाती जा रही होती। सो एनीवेज मैं किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहती, ऐसा भी नहीं है कि हाँ लोग बुरे हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं है, पर मुझ में वो चीज़ इफेक्ट जो होना चाहिए था वो सब नहीं हुआ, मे बी दैट वॉज माई बैड लक। अभी फिलहाल तो मैं ऑपरेशन के लिए मैंने माइंड सेटअप कर ली कि हाँ, क्योंकि सुप्रिया पुरानिक मैम ने बोला है कि यूटेरस एंड ओवरी को रख के मतलब उसको निकाला नहीं जाएगा, वो इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, हाँ। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कोलकाता में जैसे हमें मुझे बोला गया था कि यूटेरस निकालना होगा, ऑपरेट करना होगा, बट उन्होंने बोला है कि नहीं करना है। तो और इस एज में नहीं भी करना चाहिए, अरे तू तो अभी जवान है। हाँ, मैं तो जवान हूँ। सो बहुत दिनों से बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, मतलब जैसे कि मैं डांस नहीं कर पा रही हूँ अभी, मैंने योगा मैं नहीं कर पाती हूँ, पेन होता है, तो होपफुली ऑपरेशन के बाद ये सब कुछ मैं नॉर्मल, मतलब मेरा वो जो नॉर्मल लाइफ है उसमें मैं वापस आ सकती हूँ। इनफैक्ट आज भी डॉक्टर शुक्रिया जी की जो असिस्टेंट है कह रही थी कि वो 7-8 दिन बाद, ऑपरेशन के 7-8 दिन बाद शायद मैं योगा वगैरह कर सकती हूँ।
तो ये चीज़ भी मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था दिसंबर में यहाँ पे, तब से यहाँ पे जब हम लोग बैक किए पुणे में, तब तक मुझे कोई मेडिसिन नहीं दिया गया था, विदाउट मेडिसिन। हाँ, और मुझे पता नहीं क्यों, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता था, पेन वगैरह होता था कभी कभार, मैं शूट भी नहीं कर पाती थी। लेकिन उन्होंने कभी पेन किलर दिया ही नहीं, सजेस्ट नहीं किया। बट अभी थोड़ा मेरा पेन किलर चल रहा है, एंड उसके साथ कुछ आयरन का टैबलेट्स वगैरह दिया हुआ है, क्योंकि मेरा वो ब्लड भी तो मतलब हीमोग्लोबिन भी कम है, तो ये सब के लिए थोड़ा लेट भी हो रहा है। वेरी मिनिमम मेडिसिन। हाँ, बहुत ही मिनिमम मेडिसिन है। सो एनीवेज, ये सब तो आप लोगों से शेयर करना ही था। आप लोग में हमारे साथ बने रहो, हमारा जैसा भी जो भी एक्सपीरियंसेस है मतलब होता जाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग आप लोगों से शेयर करते हुए जाएंगे। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि स्पेशली मैं लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर कोई भी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हो तो उसे नज़रअंदाज मत किया करो। ये हम लड़कियों की प्रॉब्लम है कि हम लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं इसे, कि नहीं चलो थोड़ी सी तो पेन है, आज होगा कल होगा परसों फिर सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 आप लोग इसे इग्नोर मत करो। मैंने भी इग्नोर किया था, मैं पार्थों से सब कुछ शेयर नहीं करती थी, तो इसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है मुझे। तो ये चीज़ मत करो, कुछ बहुत कुछ होने से पहले थोड़ा कुछ होते होते वो सही हो जाए वो अच्छा है। यस, एंड डायग्नोसिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोलकाता में एंडोमेट्रियोसिस का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। रात्रि का जो है एंडोमेट्रियोसिस है तो कोलकाता का डॉक्टर कोई बताया ही नहीं। हाँ, बताया ही नहीं, तो सो डायग्नोसिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, आई थिंक इज अ की फैक्टर। एग्जैक्टली, और मैं भुगत चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसे भुगतना पड़े। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखो अपना, एंड हो सके तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से बात करो, शायद कुछ भी नहीं है, हो सकता है, बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी कुछ दिक्कत होता है तो डॉक्टर से बात करो, और अगर नहीं है तो चलो भगवान का शुक्र है कि नहीं है कुछ। सो एनीवेज, आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। बहुत कुछ बकबक हम लोगों ने कर लिया, बाकी का भी बकबक आप लोगों को झेलना है। ओके, चलो, टाटा, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।